नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल यूथ एजेंडा लाइव न्यूज़। नेशनल यूथ एजेंडा में आपका स्वागत है। देखते रहिए धनराज कुमार, ब्यूरो की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल महामहिम राजपाल से मुलाकात की और बिहार के ज्वलंत मुद्दों की ओर आकृष्ट कराने के लिए बिहार में बदलती बाढ़ और सूखा की समस्या स्थानीय समाधान कराने के उद्देश्य से लोजपा किसान प्रकोष्ठ की ओर से पटना में धरना का कार्यक्रम किया जाएगा। इन मांग पत्र के प्रति संगठन और सरकार गंगा का पानी जो प्रदूषित है, जिससे आर्सेनिक और फ्लोराइड है, इन सब पानी को सरकार अरबों रुपए खर्च कर फल्गु नदी में ले जा रही है, जहां फल्गु नदी के पानी में कल पर जो कई बीमारियों का दावा वहीं प्रदूषित हो जाएगा। अभी तक गंगा का पानी पाइप के द्वारा राजगीर तक ले जाए जा सकी है, जो गंगा के पानी ले जाने के नाम पर अरबों रुपए खर्च का घोटाला सामने आया है। हमारी पार्टी इसकी जांच करने की मांग करती है और बाढ़ और सुखाड़ की समस्या या स्थानीय निराकरण के लिए हमारी पार्टी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। राज्यपाल फागु चौहान से मिलने के लिए किसान प्रकोष्ठ के नेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, उनसे जुड़ी हुई समस्या का स्थायी समाधान पहुंचाना। वहीं अगर आप बिहार प्रदेश देखें, जो कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पर जो किसानों के हालात हैं, देखिए मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं अभी से मैं बता सकता हूँ कि भाई महीने डेढ़ महीने के भीतर बिहार आधा बाढ़ से डूबा रहेगा। बिहार में पानी आएगा, कटाव के माध्यम से घर घर, गांव गांव, खेत खेत तक ये पानी जाएगा। क्यों नहीं इसका स्थायी समाधान ढूंढा जाता है? नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है, इंटरलिंकिंग और रिवर्स, ताकि हम लोग सुखाड़ और बाढ़ की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान हम लोग ढूंढ सकें। खाद की एक बहुत बड़ी समस्या है, एक लंबे समय से बिहार में चल रही है। किसानों को जिस तरीके से खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, काला बाजारी के माध्यम से जिस तरीके से औने पौने दामों पर किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनको आर्थिक बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन तमाम विषयों को लेकर माँ महिम जी के सामने हम लोगों ने ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि इसमें हस्ताक्षर करें, क्योंकि बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में ना सोच रही है, ना कार्य कर रही है, ना कोई सक्रिय कदम सकारात्मक कदम उठाने का कार्य कर रही है, और किसान साल दर साल एकदम हाशिए पर पहुंचते जा रहे हैं। और एक बड़ी जनसंख्या है भाई, कृषि प्रधान प्रदेश है तो एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में किसानों की चिंता करना हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। तो इसी विषय को लेकर आज माँ महिम जी से मुलाकात हुई, सकारात्मक आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने भी इंटरवीन करके जिस घर परिवार जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, तो ज़रूर माँ महिम भी किसानों की समस्या से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। उन्होंने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं कि इस दिशा में ज़रूर इनकी तरफ से कुछ कदम होगी। आपने एक घोटाले की बात कही है, जो गंगा नदी का पानी राजगीर और फल्गु नदी में ले जाने के बाद उसमें घोटाले की बात की है, क्या है वो मामला और क्यों घोटाला? देखिए, स्थानियों के द्वारा जिस तरीके से इस योजना में अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इन तमाम विषयों पर जांच होनी चाहिए, पर जांच करेगा कौन? दिक्कत यही है हमारे प्रदेश में कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपा पोती होती है। बड़े से बड़े कांड हुए हमारे प्रदेश में, बड़े से बड़े अपराध हुए, और तमाम विषयों को सिर्फ जांच की ओढ़नी पहनाकर छोड़ दिया गया। आज तक कोई जाँच पूरी हुई हो या उसकी रिपोर्ट आई हो या उस रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया गया हो, ये अभी तक तो कम से कम हम लोगों ने नहीं देखा। सात निश्चय को लेकर रह कर भाई आप गांव में चले जाइए, कौन नहीं बोलता कि सात निश्चय में कितना घोटाला हुआ नहीं हुआ। आप खुद जाकर देखिए अपने कैमरों से, अभी जो नई पाइप बिछाई गई है, जो टैंकियां बिठाई गई हैं, क्या हालत है उनकी। टैंकियां फटी पड़ी हैं, पाइपें फटी पड़ी हैं, ये नली गली के नाम पर जिस तरीके से सड़कों को खोद कर वहाँ पर रखा गया है। तो सात निश्चय हो या तमाम ये योजना, बिहार की विडंबना ये रही है कि जनहित में कम या जनता को लाभ देने की सोच या दृष्टि से कम योजनाएं बनती हैं,
अधिकारियों की सोच और दृष्टि को ध्यान में रखते हुए योजनाएं ज़्यादा बनती हैं। इसीलिए बिहार में आप किसी भी आम बिहारी से पूछ लीजिए कि आप बिना घूस बिना भ्रष्टाचार के कोई एक सरकारी काम है जो होता नहीं होता। इस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री गंभीर हों। कई बार मैंने कई ऐसे विषयों की जानकारी उनके समक्ष मैंने रखी, क्योंकि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो मेरे गृह मंत्री भी हैं। पर उनसे जिस सकारात्मक पहल की अपेक्षा मैं रखता हूँ वो अभी तक नहीं पूरी होने के कारण आज माँ महिम जी से मुलाकात हुई और उनको जिस राजगीर जिस विषय का हम लोग जिक्र कर रहे हैं इसकी भी जानकारी हम लोगों ने माँ महिम। देखिए सबसे पहले तो पर एक ऐसी पार्टी जिसके पास 6% का मत है, 15-25 लाख से ज्यादा लोगों ने जिस पार्टी पर अपना विश्वास जताया, नैतिकता भी एक आधार होता है। संख्या बल में शायद हार जीत में हमने शायद कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए, पर उसमें समर्थन हम लोग का जरूर है। आरसीपी सिंह को काफी परेशान हो अगर देखिए जैसा मैंने कहा, अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की कार्यशैली को देखेंगे, उन्होंने हमेशा मुद्दों के आधार पर उनकी राजनीति की। जिस मुद्दे के साथ उन्होंने उनके विचार मिले, उनके सिद्धांत मिले, हमेशा उन्होंने उन मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता दी। 2014 में जब एनडीए गठबंधन का भी हम लोग हिस्सा बने, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये इशू बेस्ड अलायंस है, नीतियों के आधार पर होने वाला ये अलायंस है। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें आप देश के राष्ट्रपति को आप चुन रहे हैं। मैं से मांग मूंग के मैं बोल दूँ कि मैं एनडीए के साथ जाऊंगा या मैं यूपीए के साथ जाऊंगा, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि देश के राष्ट्रपति के चयन की बात हो रही है। एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो देश हित में राष्ट्रपति माँ महिम के पद पर बैठकर फैसले। सर्वसम्मति का राष्ट्रपति तो होना चाहिए, एक इतिहास भी बनना चाहिए, इसके पक्ष में है क्या? नहीं, बिल्कुल एक संयुक्त अगर उम्मीदवार का चयन हो, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें जब अब्दुल कलाम आज़ाद जी जब राष्ट्रपति बने थे तो हम लोग चाहते हैं भैया कि अगर कोई संयुक्त उम्मीदवार ऐसा आता है जिसमें सत्ता पक्ष की भी सहमति हो और विपक्ष की भी सहमति हो, दोनों की सहमति से अगर माँ महिम बिना चुनाव के अगर उनका चयन होता तो इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। आरसीपी सिंह लोग सियासत का नहीं करते और खबर ये भी कि 7 जुलाई के बजे उनका टर्म खत्म होता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, जेडीपी पर मांगे, आपकी राय क्या है? नहीं देखिए, इसमें मेरा खैर बोलने का कोई हक होना नहीं बनता, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का पूरी तरीके से ये इंटरनल मैटर है कि भाई वो किसको राज्यसभा भेजना चाहते थे, किसको नहीं भेजना चाहते थे, केंद्र में उनके पार्टी के मंत्री थे वो उनको वहाँ पे कंटिन्यू करने देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। जहाँ तक रही मंत्री पद की बात, ये पूर्णतः विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी के पास है कि वो अपनी कैबिनेट में वो किसको वो मंत्री रखना चाहते हैं, किसको वो मंत्री नहीं रखना चाहते, तो ये दोनों पे मेरा बोलना उचित नहीं है। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह जी के साथ हुआ, भाई एक पार्टी को खड़ा करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा, एक रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने काम किया। आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने में, उनकी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में ज़रूर उनका एक बड़ा योगदान रहा। क्या कारण रहे कि उनको दोबारा नहीं भेजा गया ये जनता दल यूनाइटेड ही बेहतर बता सकती है, बट एक आम बिहारी होने के नाते या बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है उसके नाते मुझे जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं आरसीपी जी के साथ गलत हुआ। राष्ट्रपति के लिए अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते हैं लास्ट लास्ट तक, आपका मेरी शुभकामनाएं होंगी। मगध यूनिवर्सिटी का सर एक मैटर जो है सर, इससे काल कर रहा है, आगे जाओ मुंचू, आगे आने दीजिए ना भाई, आगे आने दीजिए, आए मुंचू आगे जाओ, आगे इधर आता है, अरे यार बनिए ने रहा है मुंचू आगे, सर 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 ठीक है ना, मुंचू आगे बनना है, नीचे कर कर कौन है, हटाओ हटाओ, माइक नीचे माइक नीचे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान संघर्ष के द्वारा किसानों के ज्वलंत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें प्रदेश भर के किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाने का कार्य किया गया।
उन्हीं मांगों की एक प्रतिलिपि लेकर आज हम लोगों की मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात महामहिम राज्यपाल जी से हुई, जिसमें उनको अवगत कराया गया कि किस तरीके से बिहार के किसान आज त्राही त्राही कर रहे हैं, किस तरीके से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भैया, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, एक बड़ी आबादी बिहार की कृषि के ऊपर आधारित है और किसानों की एक बड़ी जनसंख्या है जिनकी आवाज़ को सुनना राज्य सरकार के लिए ज़रूरी है। पर क्योंकि राज्य सरकार आँख कान बंद कर बैठी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज बिहार के किसान हाशिए पर पहुँच गए। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो कि दशकों से चलती आ रही है, और मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर आज यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं बता सकता हूँ कि आज से महीना डेढ़ महीने के बाद फिर बिहार पानी में डूबेगा, फिर बिहार में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी अपना उड़न खटोला निकालेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, बोलेंगे पानी आ गया, और उसके बाद शांत होकर बैठ जाएंगे। पर उससे जो किसानों को जो नुकसान होता है, जो फसल को जो नुकसान होता है, उस पर स्थायी समाधान की बात कौन कर रहा है? आधा बिहार जहाँ बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है। हम लोगों ने बिहारी पल्स के माध्यम से निरंतरता में राज्य सरकार को लिखित रूप में यह सुझाव दिया है कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोगों को काम करना चाहिए। आप जब तक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आप नहीं करेंगे, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो सिल्टिंग की समस्या, खाद की जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, जिसकी परेशानी के बाद बिहार का किसान झेल रहा है, जिस तरीके से काला बाजारी खाद की हो रही है, औने पौने दामों में जिस तरीके से इंप्लीमेंट करके खाद उसको ब्लैक मार्केट के द्वारा मुहैया हो रहा है, तमाम ऐसे विषय हैं किसानों से जुड़े हुए, जिसको क्रमबद्ध तरीके से आप सबके समक्ष भी उसकी एक प्रतिलिपि दी जाएगी, जिसको हम लोगों ने माँ महिम जी के सामने रखा और उनसे ये आग्रह किया, क्योंकि ये समय फिर से एक ऐसा समय है, महीने भर डेढ़ महीने के भीतर बरसात शुरू हो जाएगी, बाढ़ का पानी कटाव के माध्यम से गांव-गांव घरों-घरों में घुसने लग जाएगा। तो ज़रूरी है समय रहते इन तमाम विषयों के ऊपर चिंतन कर सही फैसला लें। तो इसी क्रम में, क्योंकि राज्य सरकार को कहने का कोई औचित्य बचा नहीं, क्योंकि सरकारें सुनती नहीं हमारे बिहार की, तो इसीलिए माँ महिम जी पर विश्वास है कि कम से कम वो अपने माध्यम से उचित कदम इस दिशा में उठाएंगे और किसानों की समस्या का समाधान। क्या कुछ आश्वासन मिला उन्होंने? देखिए, उन्होंने गंभीरता से और हमारे तमाम जितने नेता हम लोग के साथ गए, तमाम नेताओं ने अपनी बातों को प्रमुखता से उनके समक्ष रखा, एक की बात को उन्होंने गंभीरता से सुना। खुद माँ महिम जिस गरीब परिवार से आते हैं, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, तो वो यकीनन इन तमाम समस्याओं को वो खुद भी जानते हैं। उन्होंने खुद भी इंटरवीन करके इस समस्या के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से भी बातों को रखा। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में जरूर कुछ कदम उठाया जाए। लेकिन आपने उसमें लिखा है साफ तौर पर कि राज्य में जो पानी गया है, जो पाइपलाइन से, उसमें घोटाले हुए हैं, इसका भी जिक्र जी। बिल्कुल भाई, घोटाले तो कहाँ नहीं हुए हैं बिहार में, और बिहार में अफसोस इस बात का है कि योजनाएँ कहीं ना कहीं जनता को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से कम और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की दृष्टि की सोच रखती हुई ज़्यादा बनाई जाती है। सात निश्चय मैंने बार बार मैंने कहा है कि शायद बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना होगी अगर उसकी जांच कराई जाए। आज आप दे जाकर देख लीजिए भाई, नली गली के नाम पर जिस तरीके से सड़कें खोद के रखी हुई हैं, पाइप टंकियाँ ऐसी लगाई जाती हैं कि भैया खड़ी पड़ी रहती हैं वहाँ पर। ये तमाम जितनी भी योजनाएँ बिहार में बनती हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की देन भी चढ़ती हैं। धन्यवाद। चिराग जी, चिराग जी।